तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आज से पिछले ज़माने में जो शुरू से एक चलता आ रहा है लूम और मशीनें तो अभी आई हैं, तो उस ज़माने में कपड़ा कैसे बनता था। तो इस चीज़ को ये करने के लिए मुझे तकरीबन 3 से 4 महीने वर्किंग करनी पड़ी। डिफरेंट जगह पे कॉन्टेक्ट किया, कुछ लोग थे जो करते थे उन्होंने सारा सेटअप क्लोज़ कर दिया था। तो बहुत ज़्यादा ढूंढ ढूंढ के मेरे अपने घर से ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर दूर यहाँ पे मुझे ये चीज़ मिली, वो भी किसी के रेफरेंस के साथ। तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से बना रहे हैं। आपको ये धागा नज़र आ रहा है, ये भी आपको मैं दिखाता हूँ वहाँ पे जाके ये धागा कैसे बनता है और इसके क्या क्या प्रोसेस होता है। लो जी मेरा तो क्या काम बुक। सो गाइस ये इस तरीके से ये धागा है, ये यहाँ पे इसको बांधा जाता है और इसके ऊपर फिर ब्रश करके इसकी क्लीनिंग की जाती है। तो चाचा जी ये हुण जिहड़ा तुसीं बन्निया वा इहदे उत्ते ए धागा जिहड़ा है प्योर सूत्र दा सारा? हाँ जी, देसी सूत जिहड़ा माइयां घर कतदियां ना। हाँ जी, ये वो आ। ते इहनूं इत्थे बन्न के हुण की कर रहे हो? गिल्ला भी नज़र आ रहा, इहनूं पाण दित्ती है? ये घर दौरे च भेंह के पाण लाई है इहनूं, ते फिर असीं ना इह इत्थे खिंचदे आ, कान्ने भरदे आ ਆਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰੱਸਾ ਜਿਹਾ ਹੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੇ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲਣਾ ਕਾਨਿਆਂ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਫੇਰੀ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਆ ਬੁਰਸ਼, ਇਹ ਇਹ ਬੁਰਸ਼ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਫੇਰੀਦਾ? ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰ 'ਚ ਕੰਘਾ ਫੇਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਓਕੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਘਾ ਫੇਰੀਏ, ਉੱਤੇ ਬੁਰਸ਼ ਫੇਰੀਏ ਤਾਂ ਧਾਗਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਲਾਉਣ, ਮਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਕੱਚਾ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਹੀ, ਇਹ ਪੱਕ ਗਿਆ ਧਾਗਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਣਨਾ, ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ, ਜੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਧਾਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਆਟਾ ਜਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਕੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਤੀ ਹੈ ਵੋ ਲਗਾ ਕੇ ਅਬ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਥਰੈਡ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੇ, ਲੈਦਾ ਲੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੇ ਔਰ ਫਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏਗੇ। ਔਰ ਉਧਰ ਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਇਸਕੋ ਬੰਧਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਧਾਗੇ ਕੋ, ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਯੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਯੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜੋ ਅਭੀ ਪਾਵਰ ਲੂਮਸ ਆਈ ਹੈ ਵੋ ਤੋ ਹੈ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੇ ਮੈਨੂਅਲ ਮੈਥਡ ਥਾ, ਆਪ ਇਸਕੋ ਇਨਸ਼ੀਅੰਟ ਮੈਥਡ ਕਹਿ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਯੇ ਲੋਕ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਅਭੀ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਤਾ ਹੂੰ, ਯੇ ਦੇਖੇ ਯੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ। ਯੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ, ਯੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 60 ਈਅਰ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁਝੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਮੈਂ ਯੇ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਰੋਕਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਇਹ ਦੇਖੇ ਯੇ ਧਾਗੇ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਆ ਰਹੇ, ਅਬ ਇਸਕੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਯੂੰ ਧਾਗਾ ਜੋ ਡਾਲ ਰਹੇ ਹੈ ਵੋ ਯੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਹਾਂ ਪੇ ਲਗਾ ਹੁਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਉਹ ਫਿਰਕੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ? ਆ ਇਧਰ ਅਸੀਂ ਕਰ, ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਓ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਬਸ ਬਸ ਆ ਹੀ ਪਏ। ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੇ ਗਾਈਜ਼ ਯੇ ਇਸਕੀ ਡਾਈ ਹੈ, ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਯੇ ये नलकी डली हुई है, ये वाली, ये कैसे बनती है? इसको शटल कहते हैं और ये जो हाथ से उधर से खींच रहे हैं ये बेसिकली उधर जाती है। और उसके बाद ये देखें इसमें ये कंघी लगी हुई है, ये वाली, ये उसको प्रेस कर देती है और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो ये बन रही है, ये खेस बन रहा है। वो आपको एंड पे मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से फाइनल प्रोडक्ट बनती है और वो किस काम आती है। गाइज ये जो है ये नलकियाँ जो शटल के ऊपर इसके ऊपर चलती हैं और ये लैदा से एक रुई के रुई से चरखे की मदद से उसको धागा बनाया जाता है और उस धागे को मजीद फिर इसके ऊपर चढ़ाया जाता है। ये कैसे होता है मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। और गाइज वो जो नलकियाँ वो इस तरीके से बनाई जाती हैं, ये धागा सामने
ये भी रुई से इसी चरखे के ऊपर, इसको चरखा कहते हैं, इसी के ऊपर थ्रेड बनाया जाता है उसे रुई के साथ। और उसके बाद फाइनल ये जो आपको वो नलकी नज़र आ रही है कौन, उसके ऊपर ये इस तरीके से चढ़ाते हैं ये देखो। ये देखिए जी, काफ़ी बड़ा विलेज है और उसमें ये दो मियाँ बीवी फ़िलहाल रह रहे हैं, बच्चे इनके यहाँ पे नहीं है। तो बाकी मैं आपको घर दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे इनका कुकिंग एरिया है और ये सामने घर है, अम्मा जी हैं और बाबा है। और ये जो है यहाँ पे नीचे आग जला ली जाती है और ये सारा दिन जो है ना पानी इसमें गर्म रहता है ये इस्तेमाल करने के लिए। तो ये आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा गीज़र कह सकते हैं इसको। तो ये ओवरऑल ये बड़ा साफ़ सुथरा घर बनाया हुआ है इन्होंने और दो अफराद यहाँ पे रह रहे हैं। कितनी देर से बनता है एक केस? एक तो ऐसे जो सारी दिहाड़ी बेड लगे रही है फिर एक बन जाता। एक बन जाता? हाँ जी, छः गज़। छः गज़ का? छः गज़ बनता है, सीता समाया तीन गज़ रहना। तो एक केस किन्ने का बेचते हैं? एक केस असी 1000 का बेची दा जी, अपना सूत मुल जान के बेची। यानी सारा अगर मटीरियल तुहाडा होवे? हाँ जी हाँ जी, 1000 रुपये। हाँ जी हाँ जी, घट तो घट 1000, बाद जो होर लै लिए तो सानू होर 100 रुपया बच। ठीक है, तो इहदे च डिजाइन वगैरह भी बनाते हो? डिजाइन इहदा इह हुंदा आ, जे कोई कहे वी असी नीले ते चिट्टे लेने आ। हाँ जी, नीले चिट्टे भी दे दीदे आ। और डब्बिया वाले? डब्बिया वाले, जे कोई कहे असी लेने हैगे आ खाखी चिट्टे। हाँ जी, खाखी चिट्टा, खाखी सूत लेना, फिर चिट्टे ते खाखी डब्बी पा के बना देना। अम्मा जी सारी दिहाड़ी फिर यही काम करते हो या कोई होर भी इस अलावा? नहीं, या भी आर्डर उर्डर आने फिर ही बनाते हो? अच्छा, होर माल डंगर रखे हैं कोई? कुछ है नहीं, मम्मी पक्के पेंदे पुत। अच्छा, अबे तो साडे को दो मच हम जदा से माल कुछ संभाल ले, दो एक लगे अपन हो बस हो नहीं हुंदा। सही है, ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਰੱਖੂਗਾ ਪੱਠੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਵੱਢ ਕੇ ਬੰਦਾ ਵੱਢ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਜੋ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹ ਨੀਚੇ ਪਾਉਂ ਸੇ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੋ ਵਹਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰੇ ਕੀ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਕੈਮਰਾ ਅਗਰ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਜਾਏ। ये रस्सा लगा हुआ है, ये सामने देखें ये वाला, और ये जा रहा है वहां पे, रस्ते ना बंधी गई है ना उतना ही, ऊपर की कीले दे रस्सा घूम भी होगा जी, ये इस जगह पे ये देखें उधर से वो ढीला करते जाते हैं, तो ये जो है ये इधर से टाइट भी हो रहा है और जितना हमें गंजाइश करनी होती है इसको यूं करते हैं तो ये उधर चला जाता है ऐसे, और ये धागा इधर इकट्ठा करके रखा हुआ है, ये फुली वहां पे चलता जाएगा कि पूरा ये खेस या शाल वगैरह ये बन जाएगी। तो गैस ये जो प्रोडक्ट ये फाइनल अभी ये रोल होती जा रही है, ये देखें चाहते एक मिनट रुके, ये देखें यहाँ पे इसके ऊपर रोल होती जा रही है, यूं बनता हुआ आ रहा है, ये इस तरह से धागे ये हैं और इसमें ये इस तरह क्रॉस है, ये वाला धागा डल रहा है। तो उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होती है वो एक ये पड़ गया, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, ये बाहर जाके दिखाता हूँ जी, ये देखें जी ये फाइनल प्रोडक्ट है और ये हमारे इधर पंजाब में ये बहुत इस्तेमाल होती है, और ये सर्दियों में या गर्मियों में चारपाई भी बिछाने के लिए, और सर्दियों में लोग ऊपर लेते हैं ये एज ए शाल यूज़ होती है, और इस तरह से ये चारपाई के ऊपर भी बिछाते हैं। ये देखें जी ये फाइनल प्रोडक्ट है ये वाले। तो अभी ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब तो ज़्यादा मशीनरी जो मशीन मेड है वो चीज़ें आ गई हैं, और अभी ये अम्मा जी हमारे लिए चाय बना रही हैं, कह रही हैं कि आप इतनी दूर से आए हैं ऐसे कैसे आप जा सकते हैं, तो बहुत शुक्रिया इनका। ये अम्मा जी का यहाँ पर ये कुकिंग एरिया है, यहाँ पर चाय बना रही हैं,